जय व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसे कि मैराथन हम एनडीए के लाए थे, उसी तरह से मैराथन हम एयरफोर्स के लिए भी लाए हैं। कोशिश मेरी पूरी यही है कि हर पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आऊं और सुपर से सुपर ट्रिक्स को साथ में लेकर के आऊं, ताकि ऐसा कि हम जानते हैं कि एयरफोर्स ने भी मैं समय हमारे लिए काफ़ी कम मिलता है, काफ़ी मायने रखता है समय, तो वो समय आपका बच जाए, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो मेरे पास जितनी भी सुपर ट्रिक्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा आज की क्लास में, और यहाँ हम देखेंगे कि अपने एग्ज़ाम को हम कितने अच्छे तरीके से, कितने बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ जो भी ट्रिक्स आपको बताई जाएगी आप बिल्कुल उसको नोट करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस वो रखेगा। तो चलिए आज की क्लास को, आज के सफ़र को हम शुरू करते हैं। तो आज का ये जो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर टू एक्स सिक्सटीन वाई प्लस थर्टीन रिप्रेजेंट एन इलिप्स, देन इस एसेंसिटी इज। हिंदी वाले कुछ हमसे जुड़े होंगे, उनके लिए भी मैं बता दूं, क्वेश्चन ये है, प्रश्न हमारा ये है कि ये जो पूरा इक्वेशन है, ये जो पूरा समीकरण है, किसको दर्शा रहा है? इलिप्स को दर्शा रहा है, यानी कि दीर्घ वृत्त को दर्शा रहा है। इलिप्स को दर्शा रहा है, एक दीर्घ वृत्त को दर्शा रहा है। तो इसकी एसेंसिटी यानी कि उत्केंद्रता हमको क्या निकालनी है? उत्केंद्रता निकालनी है या फिर एसेंसिटी निकालनी है। बात समझ में आ गई? किसी भी दीर्घ वृत्त का ये इक्वेशन दिया है, हमको उसकी एसेंसिटी या उत्केंद्रता निकालनी है। आप देखेंगे कि यहाँ अपने आप में इक्वेशन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हेक्टिक है। इसको पूरी तरह से आप लोग सॉल्व करते हैं, इसके जनरल फॉर्म में लाते हैं, तब जाके अपनी एसेंसिटी या उत्केंद्रता को आप निकाल पाते हैं। लेकिन उत्केंद्रता निकालने का या एसेंसिटी निकालने का सबसे आसान सा जो तरीका है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे ईजी मेथड क्या है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। द ईजिएस्ट मेथड वी विल शेयर टू फाइंड द एसेंसिटी, उत्केंद्रता को निकालने का सबसे ईजिएस्ट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है कि ई आपको लिखना है और अंडर रूट वन माइनस, यहाँ हमें जो भी कांस्टेंट होंगे वो कांस्टेंट को यहाँ से लेना है, ठीक है? तो यहां से स्मॉल जो कोफिशियंट होगा वो ऊपर रखना है और लार्ज जो कोफिशियंट होगा वो नीचे रखना है, ठीक? इसको आप समझ लीजिए, जो छोटा वाला गुणांक है, स्मॉल कोफिशियंट का मतलब छोटा गुणांक, तो जो छोटा गुणांक है ऊपर रखना है और बड़ा गुणांक क्या रखना है? नीचे रखना है। यहां क्या रखना है? बड़ा गुणांक रखना है और यहां क्या रखना है? छोटा, यहां छोटा गुणांक रखना है, याद रहेगा। और ये गुणांक होंगे किसके? एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर में से ही आपको चुनना होगा कि कौन से गुणांक, बाकी और किसी को भी टच नहीं करना है, आपको सिर्फ चुनना है किससे? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से ही आपको गुणांक को चुनना है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर प्रश्न कितनी जल्दी हमारी शॉर्ट ट्रिक पे बन पाता है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने ये क्वेश्चन मुझे दिखा, तो यहां से मैंने एसेंसिटी को लिखा, ई लिखा, अंडर रूट किया वन माइनस। यहां पे हम देखेंगे कि जो छोटा गुणांक है, यहां पे एक्स स्क्वायर का जो छोटा गुणांक है वो कितना है? वो है वन स्टूडेंट, और जो बड़ा गुणांक है, जो बिग कोफिशियंट है वाई स्क्वायर का, वो देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे चार है, तो यहाँ पे चार लिख दिया, बस ये हो गया अंडर रूट थ्री बाई टू विल बी योर आंसर, और विद इन सेकेंड्स आपका जवाब आपके सामने होगा। तो सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जवाब क्या है? सी इज द राइट आंसर। तो यहां से देखा आपने कि शॉर्ट ट्रिक्स पे हम किसी भी इलिप्स की सेंसिटी को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब में लागू होगा स्टूडेंट, बाकी भी क्वेश्चन आप इस पे अप्लाई करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहां भी हमसे क्या पूछा गया है, यहां भी हमसे उत्केंद्रता पूछा गया है, इसेंसिटी पूछा गया है, लेकिन इस बार ये इलिप्स नहीं है, इस बार ये क्या है, अति परवलय है। इस बार ये इलिप्स नहीं है, जैसा कि आपको इक्वेशन ये दिख रहा होगा, ये इक्वेशन किसका है स्टूडेंट, ये इक्वेशन अति परवलय का है, ठीक है, हाइपरबोला का है। ये इक्वेशन किसका है, हाइपरबोला का है या अति परवलय का ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हाइपरबोला या अति परवलय के इक्वेशन के लिए जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो ये यूज करेंगे, आपको लिखना है ई और फिर वन प्लस, क्या लेना है, ई वन प्लस आपको लेना है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है और मॉड में कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लेना है। समझ में आ गया होगा क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है और मॉड में कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लेना है। तो वाई स्क्वायर का जो गुणांक होगा, गुणांक जो कोफिशियंट होगा वाई स्क्वायर का, वो हमको मॉड में ऑलवेज रखना है, इसको याद रखना, ऑलवेज मॉड में रखना है, यानी कि माइनस भी होगा तो आपको क्या कर लेना है, उसको प्लस में कर लेना है। तो यही शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है स्टूडेंट, इसको आप नोट करेंगे और इससे किसी भी इसेंसिटी को अगर हाइपरबोला या अति परवलय की उत्केंद्रता आपसे पूछी जा रही है तो ऐसे इक्वेशन में हम आसानी से ये बड़े इक्वेशन, छोटे तो ऐसे भी निकाल लोगे, छोटे का फार्मूला तुम्हें मालूम है, जब बड़े इक्वेशन आते हैं तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कोशिश यही रही है कि जो आप कर सकते हैं वो तो आप कर ही लेंगे, जहां आपको दिक्कतें आ रही हैं, जहां आपको प्रॉब्लम्स आती है तो वहां से मैं इसको छोटा करूं, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको गुणांक किसका लेना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है और यहां से कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर लेना है, लेकिन कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर हमेशा याद रखना है स्टूडेंट कि मॉड में ही लेना, भूलना नहीं इस चीज को, हमेशा वाई स्क्वायर को आपको किस में लेना है, मॉड में लेना है। चलिए आते हैं, तो इसको हम इसी फार्मूले से करने जा रहे हैं। तो यहां मैंने लिखा ई और अंडर रूट वन प्लस, ई अंडर रूट वन प्लस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां से दिख रहा होगा आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है, अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर। देखो कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर हालांकि यहाँ पे कितना है, वाई स्क्वायर गुणांक हालांकि यहाँ पे माइनस तीन है, लेकिन मुझे क्या लिखना है, माइनस थ्री का मॉड लेना है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो जैसे ही हमने इसको किया वन प्लस वन बाई थ्री, अब ये तीन और एक ऊपर, चार बटे तीन आ गया और हमारे सामने हमारा आंसर आ गया, जो इसेंसिटी हमसे पूछा जा रहा था वो इसेंसिटी कितनी आ चुकी है स्टूडेंट, टू बाई रूट थ्री। ये भी विद इन सेकेंड्स आपका आ जाएगा, 10 से 20 सेकेंड में आप इस फार्मूले से तुरंत निकाल सकते हैं। किया क्या मैंने, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लिया वन और फिर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट ले लिया, किसके साथ, मॉड के साथ, और इसको आसानी से मैंने हल कर लिया। तो इसका जवाब होगा 2 बाई रूट थ्री। इस फार्मूले को आप ऐसे इक्वेशन में कहीं पर भी यूज करेंगे, वो तुरंत आपको विद इन सेकेंड्स ला करके आपको आपका आंसर दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे बेहतरीन होंगे और जो डिफिकल्टी लेवल बड़ी बड़ी होती है उन्हीं डिफिकल्टी लेवल्स को मैंने ध्यान में रख के एक को बनाया है। लिमिट नॉर्मली हमको छोटे छोटे जो लिमिट्स मिलते हैं तो उसको हम काफ़ी इजीली बना सकते हैं, उसमें हमें कोई खास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हमारे सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि लिमिट लगा हुआ है, यहाँ पावर वन बाई एक्स है, तो ये एक बड़ा सा एक्टिक सा क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है, एक बड़ा सा ये प्रश्न हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर लेता हूँ, तो आप देखिए इसको, फिर प्रश्न को ध्यान से देखिए कि ये थोड़ा सा बड़े प्रश्नों के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है, तो जी हाँ इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, ये बनने को तो आप ट्राई कर सकते हैं, लॉग लेकर दोनों ओर बनता है, लेकिन ये काफ़ी हेक्टिक होता है जब भी, अच्छा ये भी पूछा भी काफ़ी बार गया है। तो इसके लिए सर कहोगे कि सर इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ,
शॉर्ट ट्रिक ये कहता है, बहुत साधारण सी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर लिमिट x टेंस टू जीरो हो और a1x हो प्लस a2x हो डॉट 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 anx हो और पूरे का पावर 1/x हो और फिर बटे में क्या हो n हो, ठीक है। इस स्तर की लिमिट को आप समझ लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, अभी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, तुरंत आप बना लोगे स्टूडेंट। शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा इन गुणांक को, ये नीचे जो हैं आपके कोफिशियंट जो आपको दिख रहे हैं इन्हीं को आपस में गुणा करना है, ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री डॉट 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 ए एन, इनको आपस में गुणा करना है और पावर स्टूडेंट क्या लगाना है, पावर लगाना है 1/n। आपको साफ साफ ये चीज नजर आ रही होगी, ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री डॉट 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 एन करना है और पावर कितना लगाना है, 1/n लगाना है, इसको नहीं भूलेंगे, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको बार बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कि इस शॉर्ट ट्रिक पे ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हम बना सकते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि देखिए ए वन आपका है, ए टू है आपका, ए थ्री है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ वन टू और थ्री चाहिए, तो मैंने वन इंटू टू इंटू थ्री डॉट 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 सबको आपस में गुणा करते चले गए, कहाँ तक, एन तक, और इस पे पावर कितना लगा देना है स्टूडेंट, 1/n। फार्मूले से मैंने रखा, फार्मूले से मुझे ये नीचे वाला चाहिए था, नीचे वाले जितने भी हैं बेस उनको आपस में गुणा करना है, तो सबको आपस में मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 1 इंटू टू इंटू थ्री डॉट 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 एन हमें क्या देता है स्टूडेंट, n का फैक्टोरियल ही तो देता है, एक दो तीन हमें इनका फैक्टोरियल ही तो देता है, और पावर कितना हो गया, 1/n। अब देखिए विद इन सेकेंड्स आपका सवाल लग गया है, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। तो अगर हम देखते हैं तो ऐसे डिफिकल्टी, कोशिश मेरी यही रहेगी कि साधारण साधारण आप आसानी से कर सकते हैं, बट जब डिफिकल्ट लेवल के आते हैं तो उनको हम कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनसे आप एयरफोर्स में काफ़ी इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं और लेकर के आया हूँ जो इसी बेस पे है, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए मैराथन का ये अगला प्रश्न है सामने स्क्रीन पे आपके, ये भी आप देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एनडीए में भी ये काफ़ी बार रिपीटेड है और आपके एयरफोर्स में भी ये काफ़ी बार रिपीटेड है, नेवी एयरफोर्स में। अब देखिए आप कितनी जल्दी बना पाएंगे, देखिए वही फ्रेम चल रहा है जो हमने अभी अभी पढ़ा है, तो हमें क्या चाहिए, ये गुणांक ये और ये और ये, ये तीनों चाहिए, तो मैंने इनको ले लिया, इन्हीं को गुणा करना है स्टूडेंट, ए गुणा बी गुणा सी, और जितना भी n नीचे है, जितना भी n नीचे है, n देखिए नीचे क्या है, n आपका तीन है, वही आपके किस में चला जाएगा, वही आपके पावर में चला जाएगा 1/3, ठीक है। तो मेरा आंसर आ चुका है a b और c और पावर में कितना आ गया 1/3। अब देखिए सीधा फार्मूला लगाया हमने और उससे देखिए तुरंत ला करके दे दिया, तो मेरा जो आंसर होगा वो ए होगा, ए बी सी पावर 1/3। तो मैंने सीधे सीधे फार्मूले को अप्लाई किया और उसको तुरंत से बना दिया, फार्मूला मैंने लिख दिया था, इसको बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए आज का ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आप थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो देखो ये बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, रिपीटेड आपको कई बुक्स में कई सेट्स में मिल जाएगा, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट। जनरली हम कैसे बनाते हैं इसको, जनरली हम बनाते कैसे हैं कि x को हम बनाते हैं क्या, साइन अल्फा लेते हैं और y को क्या लेते हैं, साइन बीटा लेते हैं, इससे लेकर के हम इसको हल करते हैं। एक बार मैं इसको जनरल तरीके से हल करके दिखा देता हूं, फिर मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक पे आऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये शॉर्ट ट्रिक कैसे लगी है। चलिए तो अगर मैंने x को साइन अल्फा माना और y को साइन बीटा माना तो ये कैसे बनेगा, ये अंडर रूट हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा इजकल टू ए साइन अल्फा
माइनस में साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, मुझे देगा कॉस अल्फा, और ये कॉस बीटा इजकल टू ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इसने मुझे दे दिया। अब देखिए, अब ये मुझे देगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये मुझे देगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये सूत्र सबको मालूम होंगे। अब जो कट रहा है स्टूडेंट, उसको पूरा का पूरा हम काट देते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे कि हमें बचा क्या, हमारे पास बचा क्या है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बची हैं। एक तो आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2, और बराबर यहाँ बचा है ए साइन अल्फा माइनस बीटा बटे 2। देखिए डिफिकल्टी लेवल सिर्फ मुझे बताना है, इसको लेकर के आएंगे नीचे तो साइन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 हो जाएगा और ये आपका हट जाएगा, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, यहां से हट जाएगी। अब आपका ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये चीज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा कॉट, ये क्या हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा बटे 2 इजकल टू ए, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा बटे 2 ये कॉट इधर भेजेंगे स्टूडेंट, तो कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। अच्छा, यहां से क्या 2 को यहां भेजा जा सकता है, जी हां, यहां से 2 को भेजा जा सकता है। तो अल्फा माइनस बीटा, यहां से 2 को मैंने यहां भेजा तो 2 कॉट इनवर्स है। अब अल्फा की जगह पे हमने माना क्या था स्टूडेंट, अल्फा की जगह पे हमने क्या माना हुआ था, अल्फा की जगह पे तो एक्स को माना था ना कुछ, तो एक्स को क्या माना था हमने, यहां एक्स को हमने साइन अल्फा ही तो माना था, और वाई को क्या माना था, साइन बीटा ही तो माना था। अब अल्फा हमने रखा तो साइन इनवर्स एक्स, और बीटा हमने रखा तो साइन इनवर्स आपका वाई हमने रखा, बीटा हमने रखा तो साइन इनवर्स वाई यहां पे हो जाएगा। तो यहां दोनों वैल्यूज को जब हम रखेंगे इस जगह पे, इस स्थान पे जब दोनों वैल्यूज को हम रख देंगे तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे, देखिए डिफिकल्टी लेवल को अपने समझते चलेंगे तभी आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी। तो अल्फा की जगह स्टूडेंट क्या लिखने वाला हूं मैं, अल्फा की जगह पे क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि वही तो माना था, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, ठीक है, और यहां पे 2 कॉट इनवर्स ए। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट चूंकि पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा। अब इसको यहां भेजते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली स्टूडेंट आपका रिजल्ट तो आ गया, आंसर तो देखिए आपका आ गया, तो आंसर तो आपका आ गया है, सामने है आंसर, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर लाए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही आपका आंसर तो आ गया। लेकिन क्या ये हमारा समय नहीं लिया, बिल्कुल समय लिया है, और यही चीज़ तो मुझे बताना था कि जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप जनरल मेथड से जो करते हैं, जो बुकिस मेथड से करते हैं, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, उसी टाइम को हम कैसे बचा सकते हैं, चलिए अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो जो क्वेश्चन हमारा इतने बड़े में बना था वो देखिए शॉर्ट ट्रिक के बाद कितनी जल्दी बन जाता है, तो इस फ्रेम को मैं समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, सेम इसी प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक, और आप सेम इसी प्रश्न को यकीन मानो आप 20 सेकंड या 10 सेकंड या मैक्सिमम आप 30 सेकंड में इसको निपटा सकते हैं। तो चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक पे हम समझने जा रहे हैं, देखिए इसकी फ्रेमिंग को, ये प्रश्न जब भी रहेगा हमेशा इस रूप में रहेगा,
ऐसा कुछ रहेगा। ए पे पावर अब दे देते हैं, चलिए उसके पावर से कोई खास मतलब है नहीं, हमेशा इसी रूप में रहेगा। स्टूडेंट समझ लो, इस रूप को समझ लो, शॉर्ट ट्रिक के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इसी रूप में आपके सामने ये प्रश्न आने वाला है, ऑलवेज इट विल बी इन दिस फॉर्म, हमेशा इसी के इसी फॉर्म में होगा, इसी रूप में आपका आ सकता है, ठीक है। ये चूंकि कांस्टेंट है तो कुछ भी हो सकता है, इसके पावर से हमको कोई खास लेना देना है नहीं। तो अब आते हैं कि इसका डी डी एक्स क्या होता है, तो इसका डी डी एक्स का शॉर्ट फार्मूला होता है, ये पूरा आपको लिख देना है, 1 माइनस वाई टू एन अपॉन 1 माइनस एक्स टू एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वाई और y का पावर n माइनस वन और y का पावर n माइनस वन। तो तुरंत इसको नोट करेंगे स्टूडेंट, यही आपका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, इसी पे आपका बनना है। अब समझ लीजिए फ्रेमिंग क्या चल रही है, तो फ्रेमिंग आपकी शॉर्ट ट्रिक की यही चल रही है, तुरंत इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको आप नोट करेंगे, बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, इस फ्रेम का क्वेश्चन और उसका ये रहा डी डी एक्स, ये रहा आंसर। समझ में आ गया, क्वेश्चन और आंसर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसको जानने के बाद, इस शॉर्ट ट्रिक को जानने के बाद, इस फ्रेम के क्वेश्चन हमारे लिए कितने आसान हो जा रहे हैं, कितने इजी हो जा रहे हैं, इसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए यही प्रश्न जो मैंने लगभग एक मिनट में बनाया, वो मैं इससे कितनी देर में बना पाऊंगा। तो देखिए मुझे तो वही फॉर्म दिख गया, इस प्रश्न में मुझे वही फॉर्म तो दिख गया। यहाँ पे एन मेरा क्या है, एन मेरा वन है, फार्मूले में एन की जगह जब मैंने वन रखा तो इसी रूप में तो वो दिखने लगेगा, हमारा फार्मूला था। तो अब मैंने क्या किया कि डी वाई बाई डी एक्स ले लिया और सीधे फार्मूले पे पुट कर दिया। फार्मूला कहता है कि इसको रखना है यहां पे और इसको रखना है नीचे और यहां पे x का घात n माइनस वन और y का घात n माइनस वन करना है। तो स्टूडेंट यहां पे n देखो कितना है, n वन है, तो वन में से वन गया ये जीरो और ये जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा तो हट गया, आपका आंसर तो आ गया। तो स्टूडेंट यही तो आंसर था, बार बार आप रिपीट करके उस फार्मूले को देख सकते हैं स्टूडेंट, यही तो आंसर था आपका। तो हमारा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, बी होगा। अब चलिए अगले प्रश्न में है, हम इतना समय नहीं लगाने वाले हैं, हम सीधे अपनी शॉर्ट ट्रिक पे इसको बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आज के छठे प्रश्न पे आते हैं। देखिए 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 इस रूप को, उसी रूप में आ गया स्टूडेंट, बिल्कुल उसी रूप में आ गया। एक बड़ा सा प्रश्न दिख रहा है आपको, उसी रूप में आ गया, उसी रूप में आ गया। किस रूप में आ गया, देखिए किसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कैसा फार्मूला रूप चाहिए था मुझको, 1 माइनस एक्स टू एन चाहिए था और 1 माइनस वाई टू एन का रूप चाहिए था, a का पावर n चाहिए था और x का पावर n और y का पावर n, यही तो चाहिए था, यही रूप मुझे चाहिए था ना अपने फार्मूले को लगाने के लिए। तो यहाँ पे n देखिए, यहाँ पे n कितना है आपका, तीन है ना, तो यहाँ पे तीन आप रखेंगे, देखिए तीन रखेंगे जब, तो ये कैसा दिखने लगेगा, जबकि आपके n को तीन रखा, तो जब आपने n को तीन रखा तो ये कैसा दिखने लगा, तीन दूना छः और ये छः और ए क्यूब x का घात तीन और y का घात तीन, देखिए ये दिखने लगा ना, ये वाला प्रश्न, ये चीज दिखने लगा। चलिए अब आते हैं, तो हम इसको कितनी जल्दी कर सकते हैं, हमको उसी फ्रेम का दिख गया तो हम क्यों इसको बनाएंगे स्टूडेंट, बनने में ये बहुत बड़ा है, हम सीधे dy by dx लिखेंगे और फार्मूला कहता है कि ये पूरा यहाँ पे उतार देना है, ये पूरा यहाँ पे उतार दिया और ये पूरा यहाँ पे उतार देना है नीचे, ये पूरा नीचे उतार दिया, बात आ गई समझ में। और यहां पे क्या रखना है, x का घात रखना है n माइनस वन और y का घात रखना है n माइनस वन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि n बराबर कितना है, n बराबर तीन है, तो यहां पे मैं क्या रखूंगा, तो स्टूडेंट यहां पे मैं क्या रखूंगा, यहां पर मैं तीन ही तो रखूंगा,
अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट वन माइनस वाई सिक्स, अंडर रूट वन माइनस एक्स सिक्स, और यहाँ पे जैसे ही रखा तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या मिल जाएगा, देखिए आपके सामने आपका आंसर आ गया। तो आंसर मैच करेंगे, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आपका बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है। अब देखिए हमने इस डिफिकल्ट डिफ्रेंसिएशन को कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से बना लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रिक की तरफ चलेंगे। चलिए फिलहाल क्वेश्चन इतना छोटा सा है, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एक रिलेशन से हमने क्वेश्चन लिया है कि ये रिलेशन जो है, ये संबंध है किसी भी सेट के लिए, वन टू थ्री के लिए, तो ये संबंध है कैसा, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सबने पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत आसान सा है। सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सिव को समझेंगे। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि अगर ए एलिमेंट है ए का, तो ए कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए उस रिलेशन का, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव की तरह हम जाते हैं, तो हमको क्या ढूंढना है, देखिए वन एलिमेंट है ए का, तो वन कॉमा वन रिलेशन में होना चाहिए। क्या वन कॉमा वन रिलेशन में है, बिल्कुल है। उसी तरह से टू एलिमेंट है ए का, तो टू कॉमा टू हमारा रिलेशन में होना चाहिए। क्या टू कॉमा टू रिलेशन में है, बिल्कुल है। उसी तरह से थ्री एलिमेंट है ए का, तो थ्री कॉमा थ्री हमारा रिलेशन में होना चाहिए। जी हाँ, रिलेशन में है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज हम आते हैं कि सिमेट्रिक हम चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक कहता है कि अगर वन टू मौजूद है, तो वहाँ टू वन भी आपका मौजूद होना चाहिए। वन टू मौजूद है, तो वहाँ टू वन आपका मौजूद होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो कि वन टू मौजूद है, लेकिन इस पूरे रिलेशन में कहीं भी टू वन नहीं मौजूद है। तो सिमेट्रिक के लिए वन टू के साथ टू वन होना मस्ट था। तो वन टू तो है यहाँ पे, लेकिन टू वन नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है स्टूडेंट। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो जहां जहां भी सिमेट्रिक है वहां क्रॉस कर देंगे, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव कहता है कि अगर 1,2 रिलेशन में है और 2,3 रिलेशन में है, तो ये 2,2 काट देंगे, 1,3 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, तभी तो ये ट्रांजिटिव माना जाता है, सबने पढ़ा है। तो 1,2 रिलेशन में है, 2,3 रिलेशन में है, तो 1,3 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1,2 रिलेशन में है, 2,3 भी रिलेशन में है, तो ये 2,2 हटा दिया, तो 1,3 भी इस रिलेशन में है, तो 100% ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो स्टूडेंट ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो क्लास में काफ़ी बार मैंने इसको डिस्कस किया है, काफ़ी डीपली भी बताया है। आगे बढ़ते हैं, आठवें प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आव्यूह है, कुछ हिंदी वाले जुड़े होंगे, बिल्कुल कुछ क्या काफ़ी जुड़े होंगे, तो वो समझ लें। ये एक आव्यूह है, इज नॉट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये ऐसा आव्यूह है जिसका हम इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नॉट इन्वर्टिबल है, यानी कि जिसका ए इनवर्स आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिस आव्यूह का आप एक इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं या एकल आव्यूह कहते हैं। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट क्या हो जाता है स्टूडेंट, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट शून्य हो जाता है, तभी तो आप ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो जिस मैट्रिक्स का, आप समझ लीजिए, जिस आव्यूह का ए इनवर्स ना निकाला जा सके, ठीक है, उसके लिए
उसका जो डिटर्मिनेंट होगा यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो मॉड होगा वो क्या होगा? शून्य। उसका मॉड क्या होगा स्टूडेंट? उसका मॉड क्या होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हमें तो क्लियर हो गया। तो मान लो मैंने इसको ए ले लिया, तो ए में ऐसा कुछ है, वन है, माइनस थ्री है और टू है, टू है, माइनस आठ है और पाँच है, चार है, दो है और लेमडा है। ठीक, यही तो है। अब कहने का ये मतलब है कि ए मॉड जो है वो क्या हो जाना चाहिए? वो क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट? वो हो जाना चाहिए शून्य। तो फिलहाल ए मॉड हम यहीं पे बना लेते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है तो इस प्लेस का जितना है उसका उपयोग करते हैं। तो इसका मॉड मैंने यही बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये सीधा सीधा मॉड हो जाएगा। इस लाइन को हटा, तो यहाँ पे मॉड हमने लगा लिया, ये मॉड लगा लिया। ठीक, अब बस इसको हल करके और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये किसके बराबर होगा? शून्य के। अब डिटर्मिनेंट तो सबको सॉल्व करने आता है, यहाँ प्लस माइनस और प्लस, तो साधारण डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, वन और ये क्या हो गया? माइनस एट लैम्डा और माइनस टेन, फिर प्लस तीन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तीन होगा, फिर टू लैम्डा और माइनस ट्वेंटी, फिर प्लस टू हो जाएगा, तो प्लस टू के साथ फोर और प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? शून्य हो गया। तो माइनस एट लैम्डा माइनस टेन प्लस तीन दूना, ये छः लैम्डा हो गया और बीस तिहाई साठ हो गया और बत्तीस चार छत्तीस दूना ये बहत्तर हो गया, बराबर क्या हो गया? शून्य। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस टू लैम्डा और साठ और ये दस, सत्तर हो गया, बहत्तर में से घटेगा तो प्लस टू होगा, बराबर जीरो। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो टू लैम्डा बराबर टू और टू और टू कट गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? वन आ गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये अच्छा, ये गलत है, एक मिनट। इस प्रश्न का सही जवाब स्टूडेंट वन होगा। तो वन को ढूंढते हैं कहाँ पे है। सी ऑप्शन पे हमारा वन है, सी इज द राइट ऑप्शन, तो सी पे हमारा वन है, तो वन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पे आते हैं। ये एक फंक्शन से बहुत बढ़िया सा प्रश्न लिया है, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन सबने पढ़ा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी फंक्शन किसमें है? रियल नंबर्स के लिए है, और जहां जी एक्स कितना है? एक्स प्लस थ्री, और एफ ओ जी कितना है? एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है? देखिए ये थोड़ा सा छुप गया है, इसको देख लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ माइनस थ्री। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? फिर से एक बार और प्रश्न आप देख लीजिए, एफ माइनस तीन की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न थोड़ा सा ये हम छोटा कर देते हैं, इसको स्क्रीन को छोटा कर दें तो पूरा प्रश्न दिखने लगेगा। चलिए, तो पूरा प्रश्न अभी दिखने लगेगा आपको। तो यही प्रश्न है हमारा, तो f माइनस तीन हमको निकालना है। तो फिलहाल ये समझ लेते हैं कि हमारा एफ ओ जी क्या होता है, एफ ओ जी एक्स हमारा क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए। तो एफ ओ जी एक्स होता है, एफ ओ जी एक्स का मतलब हुआ एफ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स का मतलब क्या होता है? एफ जी एस। क्लास में काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया है। तो फिलहाल यहाँ पे आप समझो इस चीज़ को कि एफ ओ जी एक्स होता है एफ जी एक्स। तो हमने क्या लिख लिया? हमने जहाँ पे एफ ओ जी एक्स है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है? एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो एफ एफ ओ जी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ जी एक्स। ये मुझे क्या देगा? x प्लस थ्री का होल स्क्वायर देगा। ठीक, अब देखो स्टूडेंट कि जी एक्स कितना दिया हुआ है यहाँ प्रश्न में। तो स्टूडेंट जी एक्स प्रश्न में कितना दिया हुआ है? x प्लस थ्री, यही तो आपका जी एक्स है। आप समझिए इस चीज को, जी एक्स को ला करके यहाँ पुट कर देते हैं, तो f मिल गया मुझे। जी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? x प्लस थ्री, और यहाँ क्या रहेगा?
एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, जैसा कि हमारा प्रश्न में है। ठीक, अब मुझे चाहिए क्या स्टूडेंट, अब मुझे चाहिए एफ माइनस थ्री। हमको क्या चाहिए, एफ माइनस थ्री। अब मुझे बताओ यहां पे कि x को क्या रखूं, तो स्टूडेंट x को जब आप माइनस छ रखोगे तभी तो माइनस छ और प्लस तीन हल होकर के माइनस तीन देगा। तो यहां मैंने प्रश्न के अनुसार x की जगह पे क्या रखा, माइनस सिक्स रखा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे माइनस थ्री चाहिए था जो कि माइनस सिक्स रख के ही प्राप्त होगा। तो अब यहां पे आते हैं तो माइनस सिक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये मुझे तीन त्री का ये नौ दे देगा। और यहां पे आपको वही तो मिल गया, एफ छः माइनस छः में से तीन गया, ये माइनस तीन, तो एफ माइनस तीन की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई है, ये नाइन आ गई है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। सी पे आपको नाइन दिख रहा होगा, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जहाँ जहाँ भी शॉर्ट ट्रिक होगी मैं बताता चलूँगा। आहा हा, चलिए ये पहुँचे हम इस क्वेश्चन पे। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस किया है मैंने, जब भी ये रूट आता है तो उसको कैसे बनाया जाता है। आप देख लीजिए, बहुत बेहतर सा ये प्रश्न है, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप प्रश्न समझ लीजिए इसको, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किसको करना है स्टूडेंट, तो अंडर रूट एक्स इंटू ई अंडर रूट एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। देखो बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है, नॉर्मल इंटीग्रेशन तो आप कर ही लेते हो, लेकिन क्या इसमें भी ट्रिक है? जी हाँ, बिल्कुल ट्रिक है, और क्लास में काफ़ी बार मैंने इसको डिस्कस भी किया है इस ट्रिक को, बाकी स्टूडेंट भी हमारे समझ लेंगे। तो चलिए इसको हम हल करने के लिए जा रहे हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो एक्स को हमको क्या लेना है, एक्स को हमको क्या लेना है स्टूडेंट, टी स्क्वायर लेना है। तो हमारा डी एक्स कितना हो जाएगा, टू टी डी टी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे रख देते हैं, अब एक्स की जगह पे स्टूडेंट क्या रखेंगे, टी स्क्वायर रखेंगे, ई टी स्क्वायर रखेंगे। अच्छा, डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, टू टी डी टी रखेंगे। अब टू को हमने आगे कर लिया तो ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, टी रूट तो हट जाएगा ना स्क्वायर से, यहाँ का टी और ये वाला टी, ये दोनों इंटू होंगे ना, यहाँ एक आप समझिए इसको, एक तो मुझे यहाँ पे टी मिलेगा, एक यहाँ पे टी, तो ये वाला टी इंटू होके कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर और ई, और यहाँ भी आपको टी मिल जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर के साथ, रूट हटाना ही हमारा मकसद था। लेकिन स्टूडेंट अभी भी आप देखिए ये कठिन रूप में है, अभी भी ये नहीं हटा है, मतलब कहने का कि अभी इसकी डिफ़िकल्टी लेवल कम नहीं हुई है, अभी भी ये डिफ़िकल्टी पे है। रूट भी अपने आप में डिफ़िकल्ट था, ये भी अभी डिफ़िकल्टी लेवल पे है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था। और शॉर्ट ट्रिक क्या था, देखिए क्या है शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक को समझिए। शॉर्ट ट्रिक जब भी लगेगा इस रूप में लगेगा, ई एक्स एक्स टू दी पावर एन डी एक्स के रूप में, इसी में शॉर्ट ट्रिक आपका लगना है। एक्स पे पावर चाहे जितना मैं कर लूं, लेकिन ई एक्स आपका वो रहेगा, ई एक्स पे भी आप चाहे यहाँ पे जो भी बढ़ा सकते हैं, एन एक्स आप कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्स है इस पर आप चाहे जितना पावर रख लें, तीन पावर, चार पावर, छः पावर, आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से मैं इसको हल करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सभी देखेंगे कि ये शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल होता है, यहाँ के बाद कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगनी है। तो देखो शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्लास में इस शॉर्ट ट्रिक को काफ़ी डिस्कस किया है। इसको आपको नीचे उतारना है, टी स्क्वायर, समझ लीजिए शॉर्ट ट्रिक को, टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी रहेगा, टी क्यूब होता तो भी मैं नीचे उतारता, टी स्क्वायर को नीचे लेना है। ठीक है, और इसका डी डी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन या अवकलन क्या होगा, टू टी होगा। टी स्क्वायर का अवकलन या डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, टू टी, और टू टी का डिफ्रेंसिएशन या अवकलन क्या होगा, टू होगा। टू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आई बात, मैंने क्या किया, पहले इसको उतार दिया टी स्क्वायर को, इसका डिफरेंशिएशन 2t, इसका डिफरेंशिएशन 2, और फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, शून्य हुआ। इस तरह से मैं डिफरेंशिएशन करता चला गया। इसके नीचे मैं क्या करूंगा,
ईटी को इंटीग्रेट करते हुए रखूंगा, क्या करते हुए, इंटीग्रेशन करते हुए रखूंगा। तो ईटी का इंटीग्रेशन क्या, ईटी, फिर ईटी का समाकलन या इंटीग्रेशन क्या, ईटी, फिर ईटी का समाकलन या इंटीग्रेशन क्या, ईटी। समझ में आ गई शॉर्ट ट्रिक, पहले क्या करना है, पहले डिफ्रेंसिएशन करना है और फिर इंटीग्रेशन करते हुए रखना है। समझ में आ गई बात, पहले मैंने इसको नोट किया, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका, ऐसे मैं आगे बढ़ता चला गया, फिर ईटी 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 एक साथ मैं लेता चला गया, ठीक है। इसके बाद चिन्ह लगाना नहीं भूलना है स्टूडेंट, चिन्ह जरूरी है, चिन्ह जरूरी है यहां पे, ठीक। चिन्ह क्या होगा यहां पे, प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस लिखे या ना लिखे, अब ये बन गया। अब इनको आपस में क्या करना है, इनटू करना है, आपस में क्या करना है, इनटू करना है। तो इनटू करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूं, तो स्टूडेंट इनटू करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यहां पे देखिए, ईटी टी स्क्वायर माइनस टू टी ई टी प्लस टू ई टी प्लस सी। अब यहां से ई टू द पावर टी कॉमन आ गया, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टू प्लस सी। देखो बड़ा सा क्वेश्चन था लेकिन इसको कितनी जल्दी हमने हल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब टी के जगह पे हमने क्या माना था, देखिए हमने क्या माना हुआ था, यहां से x को हमने t स्क्वायर माना था, तो t कितना हो जाएगा, अंडर रूट x। अब अंडर रूट x t की जगह पे क्या लिख लेंगे, अंडर रूट x, t स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लेंगे, x माइनस टू अंडर रूट x प्लस टू प्लस सी। तो फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट हमको मिल गया। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, इस सवाल का जवाब a होगा, a इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोई चीज छूट रही है, अच्छा टू पहले से था, मैं पहले से टू ले चुका था तो टू छूट रहा था, सब में क्या लग जाएगा, टू, तो ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये डिफिनिट का है और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिखने में थोड़े से बड़े लग रहे होंगे लेकिन यकीन मानो ये बड़े नहीं हैं, ये तुम्हारे में आए हुए हैं। रीज़न ये है कि सब में कहीं ना कहीं कोई ट्रिक लग रही है, ट्रिक लगने के बाद ही वो एक मिनट के अंदर आ पा रहा है। तो बहुत आसान से ये प्रश्न है, तो इसको भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, जीरो से टू पाई डिफिनिट इंटीग्रेशन का है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फाइव एक्स प्लस फोर और डी एक्स। यहाँ मैं क्या लूँगा, x प्लस फोर को मैं t लूँगा, तो x को यहीं छोड़ दिया, 4t हो गया, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, 4dt हो जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं, अगर x को मैंने 0 रखा तो t 0 हो जाएगा, अगर x को मैंने यहाँ से 2 पाई रखा तो t मेरा क्या होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ये सबको मालूम है कैसे चेंज हुआ है, चेंजिंग हमको मालूम है अच्छे से। तो यहां से 0 लिया और यहां से क्या लिया, पाई बाई 2 चेंज कर दिया, और यहां आएगा साइन 5, और ये पूरा क्या माना है हमने, टी माना है, और डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, डी एक्स की जगह पे 4dt मैं लिख दूंगा। तो यहां क्या आ जाएगा, 4dt, यहां क्या आ जाएगा, 4dt। चलिए यहां तक का बदलाव मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा चेंज मैंने किया है जैसा कि आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा किया है। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, तो देखो शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट इसी के बाद लगनी है। जब भी आपको बड़े पावर मिलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में तो आपको किसकी हेल्प लेनी है, काफी बार मैंने क्लास में इस चीज को डिस्कस किया है, किसकी हेल्प लेनी है स्टूडेंट, तो वाली इक्वेशन की हेल्प लेनी है। तो यहां हम किसको लेंगे, बड़े पावर के लिए वाली, वालीज इक्वेशन हम लेंगे। वाली इक्वेशन हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, वाली कहता है कि n अगर आपका इस फ्रेम में है साइन nx dx, और n क्या है, ऑड है,
आपको इसका इंटीग्रेशन करना है साइन एन एक्स डी एक्स का, और जीरो से कहां तक करना है, 90 तक। ये फिक्स है स्टूडेंट, इसी के लिए वाली लगेगा। आप समझ लीजिए क्या लगाने जा रहा हूं मैं, तो ये फिक्स है, इसी के लिए वॉलीज इक्वेशन लगेगा। तो आप समझ लीजिए इस चीज को, ये फ्रेम समझ लीजिए, जीरो से हमेशा 90 होना है, और साइन एन एक्स डी एक्स, एन कुछ भी हो सकता है आपका पावर, चाहे जितना बड़ा हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, नौ हो, दस हो, चाहे जितना पावर हो आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हमारा पावर एन ऑड में है, यानी कि तीन है, पांच है, सात है, ऐसा है, तो फिर वाली इक्वेशन क्या कहता है कि इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा एन माइनस वन, एन माइनस फाइव, एन माइनस थ्री, और फिर एन माइनस फाइव, डॉट 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 डॉट, ऐसे चलेगा। ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे। ठीक, n माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, डॉट 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 डॉट, ये चलेगा। फिर नीचे क्या लेना है आपको, n, n माइनस टू, ऐसे n माइनस फोर, डॉट 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 डॉट। ठीक है, आगे ये रुक जाएगा कहीं पे। अब आप समझ लीजिए, ये बहुत बेहतरीन चीज मैं बताने जा रहा हूं। अब जो भी आपको निकालना है बस यहां भर देना है। अब दो चीजों से आपको बचना है, कौन से दो चीजें हैं, एक तो शून्य नहीं होना चाहिए, एक तो जीरो नहीं आना चाहिए, दूसरा क्या नहीं आना चाहिए, अनंत नहीं आना चाहिए, इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए। तो जीरो और इन्फिनाइट से ही बस हमें बचना है, उसके बाद से काम हमारा आसान है। तो फार्मूला देखिए, शॉर्ट ट्रिक यही फार्मूला है, सभी नोट कर लेंगे इसको, यही फार्मूला है स्टूडेंट, वाली का इक्वेशन है। और ये कब लगता है, जब जीरो से 90 साइन एन एक्स होता है, तो फिर यही आपको तुरंत उबारेगा, बहुत आसानी से बनवाएगा। अब आते हैं, हम देखते हैं इसको कैसे हम बना सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या हुआ। चलिए इस प्रश्न के हल को देखेंगे। तो आइए, यहां पांच आपको क्या दिख रहा है, पांच यहां पे आपको ऑड दिख रहा है, पांच ऑड है, यानी कि पांच क्या है, पांच विषम है, पांच ऑड है। तो क्या लगाएंगे, वॉली लगाने जा रहा हूं मैं, एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और फिर नीचे एन, एन माइनस टू, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यही फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूं, क्योंकि एन क्या है, फाइव मेरा ऑड है। अब देखिए सिर्फ पांच को भरना है, अब पांच भरिए, तो फाइव माइनस वन, फाइव माइनस थ्री। तो स्टूडेंट अगला जैसे ही तुम पांच भरोगे, पांच माइनस पांच क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य हमें लाना नहीं है, शून्य से बचना है, तो छोड़ दो, यहां भरो ही मत। अब नीचे आओ, नीचे पांच, पांच में फाइव माइनस टू हो गया, अगला क्या होगा, फाइव माइनस फोर होगा, फिर अगला किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो नेगेटिव भी आपको नहीं लेना है, अनंत नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, और नेगेटिव या ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेना है, बस रुक जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सिर्फ वाली के फार्मूले में चीजों को भर दिया, जो पावर था मेरे उसको भर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, पांच में से एक जाएगा, ये चार और ये दो, और नीचे कितना होगा, 5 इंटू थ्री, तो 8 बटे 15, और 8 बटे 15, और ये 4 से जब गुणा होगा, 4 गुणा, इतने दूर तो मुझे मिल गया, इतना दूर कितना आया देखो वाली पे, 8 बटे 15, तो ये गुणा जब करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 32 बटे 15। कितना आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, 32 बटे 15, तो सी इज द राइट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस अवकल समीकरण की डिग्री क्या है, इस अवकल समीकरण की डिग्री क्या है। तो बहुत आसान सा तरीका बताया था स्टूडेंट डिग्री के लिए, कि जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, लेकिन यहां पे ऐसे 1/2 में नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों ओर हमको वर्क करना है, दोनों ओर वर्क कर दिया। अब ये कट जाएगा, तो प्रॉब्लम हमारी यही बस 1/2 थी, ये कट गया। तो जिसका ऑर्डर, किसका ऑर्डर ज्यादा है, इसका ऑर्डर ज्यादा है 3, तो डिग्री भी किसकी होगी, इसी की।
तो ऑर्डर तीन है यहाँ पे, और डिग्री भी कितनी हो जाएगी यानी कि घात भी कितनी हो जाएगी, घात भी तीन हो जाएगी, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक वेक्टर का क्वेश्चन मैंने लिया है। वेक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मॉड ए जो है वो कितना है, टू है, और मॉड ऑफ बी कितना है, मॉड ऑफ बी कितना है, तीन है। तो हमको ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर और ए डॉट बी का हमसे होल स्क्वायर पूछा गया। तो देखो बहुत आसान सा सवाल है, तो इसमें ऐसी स्थिति जब आती है तो सीधा सीधा आपका होता है ए मॉड का होल स्क्वायर इनटू बी मॉड का होल स्क्वायर, इसका यही जवाब होता है, सीधा सा फार्मूला है। इसको एक बार हम समझा देते हैं, जैसे ए क्रॉस बी आप लोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए बी साइन थीटा मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे, और यहाँ से ए डॉट बी आपको क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा, फिर इसका स्क्वायर करोगे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट क्या हो गया, वन हो गया। तो बचा क्या स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आप लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितनी जल्दी ये बन जाएगा। मुझे क्या लिखना है ऐसी स्थिति में, मुझे क्या लिखना है, जब भी ये मिलेगा मुझे ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, तो मुझे क्या लिख लेना है, मॉड ए का होल स्क्वायर इंटू मॉड बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैंने किया यहाँ से, बहुत आसान सा है। तो मॉड ए मेरे पास क्या है, मॉड ए टू है, और मॉड बी मेरे पास क्या है, मॉड बी तीन है। और जैसे ही ये दिखा मुझे कि भाई ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है और ए डॉट बी इस मॉड का होल स्क्वायर है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ए मॉड का होल स्क्वायर इंटू बी मॉड का होल स्क्वायर। अच्छा, ए मॉड कितना है, दो है, तो दो का होल स्क्वायर, और ये तीन है तो तीन का होल स्क्वायर, तो नौ चौका 36 ही आंसर हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, क्लास में काफी बार इसको डिस्कस किया है कि दो पासों को फेंकने पर, बहुत डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन होता है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। एक पासे को फेंकने वाला तो सारे बना लेंगे भाई, एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या है, ये सब तो सब लोग बना लेंगे, बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन इसमें क्या कि हम दो पासों को फेंक रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि अ डाइस इज टॉस ट्वाइस, चलिए दो बार फेंका जा रहा है, एक पासे को दो बार, बात वही पड़ी, एक पासे को आप दो बार फेंको या दो पासे को एक बार फेंको, बात वही पड़ता है। तो एक पासे को हमने दो बार फेंका, किसी एक पासे को हमने दो बार फेंका, ऊपर का अंकों का योग, अंकों का जो योग है वो 10 आए, इसकी क्या प्रायिकता है, समझ लीजिए इस चीज को। एक पासे को दो बार फेंका गया, एक पासे को दो बार फेंका गया, ऊपर के आने वाले अंकों का योग जो है वो कितना आ जाए, 10 आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है, 10 आ जाए इसकी क्या प्रायिकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, तो 10 आ जाए इसकी क्या प्रायिकता है, तो कैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक को हम करते हैं। तो बहुत आसान सी ट्रिक थी, क्लास में काफ़ी बार डिस्कस किया है, यहाँ सबके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसे आपको एक ट्रायंगल शेप में खींचना है, मिनिमम सम, जैसे दो पासा फेंका आपने तो मिनिमम क्या आएगा, एक पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2, मिनिमम क्या होगा, 2, और मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 और 6 12 आ सकता है, तो अधिकतम हमारे पास कितना आ सकता है, 12। दो पासों को फेंकेंगे तो न्यूनतम योग, मिनिमम जो सम होगा वो 2 होगा, और मैक्सिमम जो अधिकतम सम होगा वो 12 ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बढ़ते जाएंगे आप, तो 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 रखना है, बीच में आपको हमेशा क्या रखना है, 7 रखना है, इसको हमेशा याद रखें, यही शॉर्ट ट्रिक है। 2 12 और 7 इधर से आप देखेंगे बिल्कुल बैलेंस में है, 7 में से 2 घटा 5 और 12 में से 7 गया 5। ठीक है, ऐसे ही सजा देना है आपको। अब देखो कितनी आसानी से मैं इसको बनाऊंगा, गेटिंग सम ऑफ 10, योग कितना आए, 10 आए, दो पासों को फेंकने पर या एक पासे को दो बार फेंकने पर ऊपर वाले अंकों का योग 10 आए, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 10 बेटा कहां पे आएगा, 10 यहां पे आएगा। ठीक है, आप वहां पे 10 लिख लेना, और रूल ये कहता है, ये पार्ट है, ये ट्रिक का पार्ट है, ये आपको बार बार करना पड़ेगा। तो ट्रिक का पार्ट ये है कि 12 के बाद वाला जो अंक है
13 वो लिखना होगा। अच्छा इधर जब आओगे बेटा, इधर अगर घटाओगे तो 2 के पहले वाला लेना, ठीक है। 2 के पहले क्या होता है 1, इधर अगर घटाना होता तुमको तो 1 लेते, ठीक है। अब आइए, तो फिलहाल 10 यहां पे है मेरा, 10 यहां पे है, तो इधर 12 से ज्यादा, 12 से एक ज्यादा क्या 13। आपको सिर्फ इतना करना है कि अब आपको क्या निकालना है, घटना। आपको एनी चाहिए, आपको एनी ही तो चाहिए। एनी के लिए कितनी जल्दी आप निकाल पाएंगे वो समझ लीजिए। 10 निकालना हो तो आप क्या लिखते, काफ़ी चीज़ें लिखते, 5 5 लिखते, 6 4 लिखते, बड़ा सा एक इवेंट को करते तब तो आपका आता। लेकिन इससे देखो कितनी आसानी से निकल जा रहा है, इस 13 में से इस 10 को बस घटा देना है। तो 13 में से 10 को घटाया तो कितना नंबर ऑफ इवेंट्स मुझे मिल गया, 3। तो बस मेरे लिए प्रोबेबिलिटी निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एनी बटे एनएस। एनी कितना है बेटा, 3 है, और एनएस जा मालूम है कि 2 पासों में 36 हो जाता है, 12 3 36, 1/12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी बनाया। अगर मैं इवेंट लिखता तो मेरे लिए वो काफ़ी हैक्टिक होता, पूरा इवेंट लिखना पड़ता, लेकिन इस ट्रिक से ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 विथ 2 डाइस। फिर से 2 पासों को फेंकने पर ऊपर वाले आने वाले अंकों का योग कितना हो, 7 हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो मुझे अगर बनाना होगा तो फिर से मैं ऐसे ले लूंगा, यहां 2 ले लिया, यहां 7 ले लिया और यहां 12 ले लिया, ठीक है। फिर से वही काम करूंगा, केवल एक ही ओर से आपको ले लेना है, या तो इधर से आप ले लो या तो इधर से ले लो। तो अब मैंने यहाँ पे 12 के बाद क्या लिखा, 13 लिखा। उसके बाद मुझे इवेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, घटना चाहिए, नंबर ऑफ इवेंट। सीधा 13 में से 7 को घटा दिया, तो 13 में से 7 को घटाया तो कितना आया, 6। बस प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एनी बटे एनएस। देखो 6/36, 6 6 36, विद इन सेकेंड से आपका आंसर आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ऐसे करोगे आप, सोच लो आपको कितनी घटनाएं लिखनी पड़ती, 6 घटनाओं को लिखना पड़ता, लेकिन इस वाले ट्रिक से ये कितनी जल्दी ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। What is the probability that leap year selected at random will contain 53 Mondays? ये बहुत बढ़िया है कि किसी लीप ईयर में, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। तो देखो लीप वर्ष में आपको मालूम है कि 366 दिन होते हैं, ठीक है, तो 366 दिन होते हैं, तो 52 संडे तो आपको होना ही होना है, तो 52 मंडे तो होना ही होना है हफ्ते के हिसाब से, तो 53वां मंडे होने की संभावना क्या है। लीप ईयर में 366 दिन होता है तो हमारा इवेंट क्या बनेगा, या तो मंडे संडे, संडे मंडे, पहले संडे आ जाए और फिर क्या आ जाए, आपका मंडे आ जाए। एक तो कहानी ये चलेगी कि मंडे हमारा संडे और मंडे ऐसा एक दिन आ जाए, संडे और मंडे आ जाए, ठीक। एक तो ये पेयर बनेगा संडे, या संडे के साथ मंडे का एक पेयर बनेगा, और एक मंडे ट्यूसडे भी आ सकता है, ठीक है, रविवार सोमवार आ सकता है, या सोमवार मंगलवार आ सकता है। तो ऐसी कितनी घटनाएं हुई, 2, और हफ्ते में 7 ही तो दिन होता है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/7। तो इसका जवाब कितना होगा, 2/7। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है कि ए एक समुच्चय है, इससे एक पावर सेट हमने बनाया। पावर सेट क्या होता है स्टूडेंट, शक्ति समुच्चय होता है। पावर सेट क्या होता है, शक्ति समुच्चय होता है। तो पावर सेट एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी इसके सबसेट होते हैं, किसी भी सेट के सारे उप समुच्चयों का, किसी भी सेट के सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय बनाते हैं वही क्या होता है, पावर सेट होता है। और पावर सेट का, पावर सेट में जो एलिमेंट्स की संख्या होगी, जो अवयवों की संख्या होगी, कार्डिनल नंबर का यही मतलब हुआ कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, किसी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट में एलिमेंट होते हैं
टू टू द पावर एन, पावर सेट में क्या एलिमेंट होते हैं, टू टू द पावर एन। एन क्या होता है, किसी भी समुच्चय में जितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या। तो इस समुच्चय में एलिमेंट कितने हैं, चार, तो यहां क्या लिखेंगे, दो का घात चार, तो कितना हो जाएगा 16। तो इस शक्ति समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे स्टूडेंट, 16 एलिमेंट हो गए। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न था। अब आते हैं इस वाले अगले प्रश्न पे। तो व्हाट इज द वन प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, बहुत प्यारा सा सवाल है। आई फोर एन प्लस फाइव और वन माइनस आई फोर एन प्लस थ्री, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, इसको हमको हल करना है, ये किसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, इन चार चीज़ों को आप याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो वन प्लस आई का होल स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, इसको तब तुम हल करोगे तो वन प्लस आई स्क्वायर प्लस टू आई होगा और ये कट जाएगा। तो इसको हमेशा याद रखना कि वन प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, टू आई होता है। वन प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, टू आई। आप वन प्लस आई का इसी स्क्वायर को फिर से स्क्वायर कर दो तो ये फोर आई स्क्वायर हो जाएगा। तो वन प्लस आई का पावर फोर क्या होता है, आई स्क्वायर माइनस फोर होता है, इसको हमेशा याद रखना। वन प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, वन प्लस आई का होल स्क्वायर होता है टू आई और वन प्लस आई का होल पावर फोर होता है माइनस फोर, बस इसको याद रखना, ठीक है। उसी तरह से वन माइनस आई का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, माइनस टू आई और वन प्लस वन माइनस आई का, एक मिनट, उसी तरह से वन माइनस आई का होल पावर फोर कितना होगा, देखिए इसका भी स्क्वायर करोगे आप तो फोर आई स्क्वायर ही होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, माइनस फोर। वन माइनस आई का फोर कितना होता है स्टूडेंट, माइनस फोर, बस इतना याद रखना। अब देखो ये कितनी आसानी से बन जाएगा। तो मुझे याद था कि वन प्लस आई का पावर फोर मुझे क्या लेना है, माइनस चार, वन माइनस आई का पावर फोर मुझे क्या लेना है, माइनस चार, और वन प्लस आई का होल स्क्वायर मुझे क्या लेना है, टू आई, और वन माइनस आई का होल स्क्वायर मुझे क्या लेना है, माइनस टू आई। बात आगे समझ में, इन्हीं को आप हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट, कई जटिल प्रश्नों में ये काम देगा, इसको तुरंत नोट करेंगे, बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको इसी पे मैं हल करने जा रहा हूं। तो ये 1 प्लस आई था, क्या मैं इसको 4n, 4n प्लस 5 है तो 1 प्लस आई का पावर 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल, इसको मैं 1 माइनस आई 4n और 1 माइनस आई का पावर 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस आई का पावर 4, इस पूरे का पावर n और 1 माइनस आई का पावर 4 और इस पूरे का पावर n, समझ में आ गई बात। और ये हो जाएगा 1 प्लस आई का पावर 5 और 1 माइनस आई का पावर 5। अब मुझे ये बताओ 1 प्लस आई का पावर 4 कितना होता है, माइनस चार, और 1 माइनस आई का पावर 4 भी कितना होता है, माइनस चार, तो माइनस चार ऊपर और माइनस चार नीचे, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आगे क्या, अब मुझे तो ये मिला हुआ है, अब बचा क्या, 1 प्लस आई का पावर 5 और ये 3 है शायद, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लेते हैं, तो 1 माइनस आई का पावर 3। अब फिर इसको करते हैं तो 1 प्लस आई का पावर 5 मुझे यहाँ बचा, 1 माइनस आई का पावर 3 मेरे पास बचा। अब फिर से इसको तोड़ देंगे, 1 प्लस आई का पावर 4 और 1 प्लस आई, और इसको क्या कर लेंगे, 1 माइनस आई का पावर होल स्क्वायर 1 माइनस आई, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि 1 प्लस आई का पावर 4 अभी अभी हमने पढ़ा है कि माइनस चार होता है और ये कितना होता है बेटा, माइनस टू आई होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है 1 माइनस आई, ठीक है। अब इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, 2 1 प्लस आई। अब मुझे ये बताओ आई यहाँ अंदर जाएगा तो आई, और आई स्क्वायर अंदर जाएगा तो माइनस आई स्क्वायर, अच्छा माइनस आई स्क्वायर क्या होता है, 1, माइनस आई स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचा है स्टूडेंट, 2 बचा, तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन को एंड करेंगे, एक और मैराथन की क्लासेस मुझे लानी है जिसमें भी ढेर सारे हम क्वेश्चन को जिक्र करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।